पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड को एलएनजी सप्लाई के लिए निजी कंपनी से कोई रिस्पांस ना मिला। दिसंबर और जनवरी में मजमुई तौर पर 8 एलएनजी कार्गोस की सप्लाई के लिए एक भी बोली ना आई। ज़राए के मुताबिक एलएनजी के इंतजाम में मजीद ताखीर सर्दियों में गैस की शदीद लोड शेडिंग को जन्म दे सकती है। पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड ने दिसंबर और माह जनवरी में 4 एलएनजी कार्गोस की खरीदारी के लिए 11 अक्टूबर तक बोलियां तलब की थी। पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड के मुताबिक दिसंबर और जनवरी के लिए एलएनजी सप्लाई के लिए कोई बिड वसूल नहीं हुई। पीपीएल की तरफ से जारी तफसील के मुताबिक 6 से 7 दिसंबर, 10 से 11 दिसंबर, 15 से 16 दिसंबर और 26 से 27 दिसंबर के दौरान 4 कार्गोस के लिए बोलियां तलब की गई थी। जनवरी में 14 से 15 जनवरी, 19 से 20 जनवरी, 24 से 25 जनवरी और 29 से 30 जनवरी के लिए भी 4 कार्गोस की बोलियां तलब की गई थी। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड को कोई भी बोली वसूल ना हुई, जिसकी वजह से दुनिया में एलएनजी की बढ़ती हुई तलब हो सकती है। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखना ना भूलिए केना न्यूज़ लाइव।